ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह ने कहा कि लक्ष्य निर्धारण ही सफलता का आधार है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां हमेशा अवसर प्रदान करती है और हमें अंदर एक मारक क्षमता का विकास करती है। वे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिक संस्थान में सत्र 2019-20 की नव नामांकित छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित 15वें शैक्षणिक सत्र के दीक्षांत समारोह इंडिक्शन प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। अपने लक्ष्य अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने नव नामांकित छात्राओं का स्वागत किया तथा उन्हें लक्ष्य को निर्धारित करना तथा उसको पूरा करने तक सतत प्रयासरत रहने की सलाह दी। AICTE का रिकमेंडेशन होता है तो इनिशियली फर्स्ट डे ये फॉर्मल प्रोग्राम होता है इंडक्शन का। ये हमारे 15वें बैच जो है APJ AKW IT के न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनमें अभिभावक के साथ साथ छात्रगण भी उपस्थित थे और यूनिवर्सिटी के डिग्निट्रीज जैसे कि ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार सर और पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा सर जो कि गेस्ट बनकर आए थे और डायरेक्टर सर के प्रेजेंस में उनके गाइडेंस में इस प्रोग्राम को आज हमने किया 30 अगस्त को। इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि छात्रों को अवेयर कराना कि संस्थान क्या है, उसमें कितने शिक्षक हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें क्या 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 पढ़ाई होती है। तो मूलतः CSE और IT दो ब्रांच के लिए इस बार एडमिशन हुआ है और कुल मिलाकर यहाँ पे 79 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है जो कि यहाँ उपस्थित है। आज के बाद फिर संस्थान में ही जो है वो 20 दिनों का फाउंडेशन प्रोग्राम भी चलाया जाएगा जो कि 3 तारीख से प्रारंभ होगा। डॉक्टर अश्विन।